हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सही सलामत होंगे अपने अपने घरों में। आप सब कोविड के एसओपीज फॉलो कर रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने पड़ोस में अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखते होंगे। सो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड आई होप कि आपने जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स थे, अभी भी कुछ रह रहे हैं जो हम धीरे धीरे उनके साथ भी डील करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, और ये मैं इसके डिफरेंट मेथड्स दिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, और साथ में ही मैं एक टिप दे दूंगा जो पर्टिकुलरली जेके एसएसबी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक टिप होगा कि अगर उन्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, ओके। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट, हमने एक वीडियो जब स्टार्ट में की थी पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड, एलजेब्रा के रिलेटेड, तो आपको याद होगा जब हमने लीनियर के साथ डील किया था, हमने कहा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, राइट, आपको याद आ रहा होगा शायद। सो लीनियर का मतलब होता है ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी डिग्री हो वन, यानी डिग्री मीन्स पावर में वन। जैसे मेरे पास एक्स है तो ये लीनियर हो गया, मेरे पास वाई है ये लीनियर हो गया, क्योंकि इन सब पे क्या पावर होता है, वन, जो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशंस। अब इक्वेशंस की जब हमने बात की तो आप ये मान के चले कि कोई भी चीज दुनिया में जिसमें इक्वेलिटी की साइन हो यानी इज इक्वल टू जिसमें हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट Not following COVID SOPs is equal to death। तो ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। अब कोविड के रिलेटेड इसलिए बता दिया क्योंकि आज जो कोहराम चल रहा है पूरे देश में, तो इसीलिए नॉट फॉलोइंग कोविड एसओपीज इज इक्वल टू डेथ। तो जैसे ही इज इक्वल टू की साइन आ गई, ये इक्वेशन बन गई। हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ये बन गया, ये भी इक्वेशन है हमारे पास। टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ये भी हमारे पास इक्वेशन बन गई। राइट, सो लीनियर मीन्स वेरिएबल जिसपे डिग्री वन हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हो एक्स पे डिग्री वन, वाई पे डिग्री वन, यहां एक्स पे डिग्री वन, वाई पे डिग्री वन, तो ये लीनियर हो गया। साथ में इनके इक्वेशंस हैं, इक्वेशन इज इक्वल टू की साइन है तो इक्वेशंस हो गई। अब दो वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल होंगे, जैसे इन दो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे पास एक एक्स है एक वाई, राइट। सो जब एक्स और वाई यानी दो वेरिएबल पी क्यू ए बी सी डी, आप कोई भी रख सकते हैं, अलिफ बे आबा, जो भी आपको मर्जी है आप वेरिएबल्स के बदले रख सकते हैं। यूजुअली एक्स और वाई और जेड हम यूज करते हैं सो दैट सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे किसी भी जगह पर, उनको इक्वली, उन्हें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने एक्स वाई जेड यूज किया है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप अपना नाम भी वेरिएबल के बदले रख सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास अब इसका मतलब क्या है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जो लीनियर होंगे, यानी जिनके वेरिएबल पे डिग्री वन होगी, पावर वन होगा, और कितने वेरिएबल होंगे एक इक्वेशन में, दो वेरिएबल होंगे हमारी एक इक्वेशन में। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है और हमें किन चीजों के साथ डील करना है। राइट, ओके। सो आपको मैं बता दूं कि अगर हमें वैल्यूज ढूंढने होते हैं वेरिएबल के, तो दो वेरिएबल है, इसीलिए नेसेसरी हमारे पास ये बनता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हो हमारे पास, तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हम उनके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशन होना जरूरी है। राइट, सो फिलहाल टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे और दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल होंगे और हमें उनको सॉल्व करना होगा। तो जो जनरल फॉर्मूला, या मैं कहूंगा मेथड रिप्रेजेंट करने का, तो वो ऐसा होता है, उसे हम लिखते हैं एक इक्वेशन के लिए, मैं लिखता हूं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई
इज इक्वल टू सी वन, और दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली इक्वेशन में एक्स के साथ कोएफिशिएंट होगा उसे हम ए वन कहेंगे, सिमिलरली जो पहली इक्वेशन में वाई के साथ कोएफिशिएंट होगा उसे हम बी वन कहेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे हम सी वन कहेंगे, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसे ए टू कहेंगे, जो दूसरी इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट होगा उसे बी टू कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे सी टू कहेंगे। राइट, ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस पे एग्जांपल एक मैं दे रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल, और ध्यान रहे कि मैंने यहां पर ये जनरल जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम प्लस की साइन लेते हैं इजी बनाने के लिए, पॉसिबिलिटी ये है कि प्लस की जगह माइनस भी आपको मिल जाए तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, इक्वेशंस फिर भी यही जनरल फॉर्म की रहेंगी। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा है मेरे पास x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 9। तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब अगर हम इनको कंपेयर करेंगे ऊपर वाले जनरल फॉर्मूलाज के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि a1 मेरे पास 2 है, b1 मेरे पास माइनस 3 है, c1 मेरे पास 7 है। राइट, हम कभी कभी क्या काम करते हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि हम इस सी वन को भी यहां लाते हैं तो हम लिखते हैं प्लस सी वन, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप सी वन को अगर यहां ट्रांसफर करते हो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, एंड लेटर ऑन हम वो साइन चेंज करेंगे। राइट, सो सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास यहां एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, राइट, तो क्या होता है, बताया था लास्ट टाइम, राइट, दैट इज वन, तो हमारा ए टू जो है वो वन होगा, जो b2 है वो हमारा 4 होगा, और जो c2 है हमारा वो माइनस 9 होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं कि हम इस c1 को एक्चुअल में इस साइड में लिखते हैं, c2 को एक्चुअल में इस साइड में लिखते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो इक्वेशंस हैं वो इस पैटर्न की मिलेंगी, और जो पहले दो मेथड्स हैं उनमें c1 राइट साइड में ही होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तीसरे वाले मेथड में हम इसे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी मैं बता दूंगा आने पर। राइट, सो आई होप कि आपको अब कंपेयर करना आ रहा होगा कि कैसे इक्वेशन में ए वन क्या है, ए टू क्या है, बी वन क्या है, बी टू क्या है, और सी वन और सी टू क्या है। राइट, तो अब हम जाएंगे इनके सॉल्यूशंस पे कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट, तो हमारे पास जनरली तीन मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, फिलहाल 10 तक की बात मैं करता हूं, तो तीन मेथड्स हमारे पास सॉल्व होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो जो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड, दैट इज सबस्टिट्यूशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड। सबस्टिट्यूशन मेथड, राइट, तो नाम से ही पता चल जाता है कि क्या हुआ हमारे पास। तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, हम एक इक्वेशन का एक वेरिएबल, एक इक्वेशन का एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारी चीजें राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, राइट, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, फिर उस वैल्यू को पुट करेंगे हम किसी एक इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है, और सपोज मेरे पास, सिंपल पहले एग्जांपल दे दूंगा, मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, ठीक, हम इस वाली इक्वेशन में ध्यान रख लीजिए, मैंने इसलिए x अभी अकेला ले लिया क्योंकि पहले हम इजी वाले पार्ट करेंगे, मैं नेक्स्ट पार्ट दिखा दूंगा जिसमें हम कुछ यहां पर नंबर भी रख लेंगे। ठीक, तो अभी क्या होगा, तो x मेरा अकेला है, ध्यान रहे अगर आपको ऐसी इक्वेशंस मिल रही हैं जिसमें एक वेरिएबल आपका अकेला है तो उसी वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख दे, बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर दे। राइट, इन केस अगर जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों में कोएफिशिएंट्स हैं तो आपकी मर्जी है आप किस वाले को लेफ्ट साइड में रखेंगे और किस वाले को राइट साइड में, वो आप पे निर्भर करता है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू 9, अब 3y को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या बनेगा, माइनस 3y, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करूंगा, ठीक है, तो
मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करूंगा, पुट x इन फर्स्ट। मैं सिंपल सिंपल में लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो जो x की वैल्यू है अब वो कहां पुट करनी है, फर्स्ट की जगह। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 पहले जो यहां पर है, और x के बदले, अब x के बदले क्या लिखना है मुझे, 9 - 3y, राइट, और -2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमने x की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर दी, x की जगह 3 वैसे ही रहा, x की जगह हमने लिखा 9 - 3y, राइट। सो ये हो जाएगा 3 9s are 27 - 3 3s are 9y - 2y बाहर अपना इज इक्वल टू 12। तो अब हम काम करते हैं, इस 27 को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, -9y और -2y होते हैं -11y इज इक्वल टू, यहां 12 है, आप 27 वहां जाएगा तो -27, राइट। सो -11y इज इक्वल टू -27 में से 12 जाएगा तो 15 बचेगा। तो यहां भी माइनस, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो y है, तो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 15/11। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमने क्या किया इसमें, राइट। सो y की वैल्यू हमें आ गई 15/11। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इस y की वैल्यू को x में पुट करते हैं, ठीक, क्योंकि हमें x देख लिया क्या है। तो हमारा x जो होगा वो किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू 9/1 - 3 × 15/11, ठीक है। तो हम इन्हें क्रॉस भी कर सकते हैं, वो हो गया 11 9s are 99 - 15 3s are 45 / 11। तो हमारा जो x आ गया वो आ गया 99 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 54, राइट। सो 54 / 11, तो हमारे x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 54/11। सो इस तरीके से हमने x और y जो है इनकी वैल्यूज निकाली, राइट। फिर से एक बार बता रहा हूं, दो इक्वेशंस हमारे पास होंगी, तो दो इक्वेशंस में से एक वाली, किसी भी एक इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट से या इस वाली इक्वेशन से, क्या काम करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारे वैल्यूज को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। फिर उस वैल्यू को, जो वेरिएबल आपने लेफ्ट साइड में रखा, उसके बदले पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, जहां से आपने निकाला होगा। और इजी हमेशा यह होता है कि अगर आपके पास किसी जगह एक वेरिएबल, वेरिएबल अकेला है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो आसान हो जाता है कि उसी वेरिएबल को एक साइड में रख ले, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट कर ले, ट्रांसपोज कर ले, राइट। हम एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अब इक्वेशन ऊपर वाली यही हम रखेंगे, सो इक्वेशन मैं यही रख रहा हूं, इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा हूं, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में मैं x और y दोनों का कोएफिशिएंट रख दूंगा कुछ, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन, लेट अस से पहली इक्वेशन 3x - 2y है, तो लेट अस से कि हम दूसरी इक्वेशन जो है, हम दूसरी इक्वेशन क्या रखेंगे, हम रखेंगे लेट अस से 2x + 5y = 12। सो वंस अगेन आपकी मर्जी, अब यहां पर कोई भी वेरिएबल आपका अलग नहीं है, अकेला नहीं है, राइट। आप फर्स्ट से निकाल सकते हो, सेकंड से निकाल सकते हो, एक वेरिएबल जो भी आपकी मर्जी। चलो इस वाले से देखते हैं क्या होगा। अब इस टाइम पहले हमने x की वैल्यू पुट करी थी, अब चलो y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y को इसी साइड रखेंगे, सो 5y = 12। अब ये +2x ट्रांसपोज होगा तो -2x बन जाएगा, राइट। फिर y = 12 - 2x / 5, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब इसको पुट करना है फर्स्ट में, y की वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट में। सो ये ऐसे है 3x - 2, अब y की जगह क्या लिखना है, 12 - 2x / 5 = 12, राइट, सेम चीज। तो अभी क्या करेंगे हम काम, मैं स्टेप थोड़ा सा कम कर रहा हूं जल्दी जल्दी में, क्योंकि
बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है और अब करने के बाद फिर शायद समझ ना आ जाए। तो अभी देखिए इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है और 5 से 3x को, तो 5 3 ये हो गया 15x। अब ध्यान रहे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर वाली साइनस जो है वो चेंज होंगी, तो यहां पर 12 की साइन है प्लस, बाहर है माइनस, तो इसीलिए प्लस की साइन चेंज होके माइनस होगी, 12 2s are 24। राइट, समझ आ रहा है? सिमिलरली हम क्या काम कर रहे हैं, अभी अंदर की साइन माइनस है तो यहां पर प्लस आएगा और 2x into 2 होता है 4x, होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 12 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो 15x और 4x होते हैं 9x, सॉरी 19x और माइनस 24, अगर क्रॉस करेंगे 1 से तो यही आएगा, इज इक्वल 12 5s are होता है 60। तो मेरा 19x जो है वो निकलेगा 60 प्लस 24, तो x जो मेरा है वो होगा 84 डिवाइडेड बाय 90, तो ये निकला हमारे x का वैल्यू। अब यही x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, y वाली इक्वेशन में पुट करनी है, राइट? तो जब हम इसमें ये इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2। अब x की जगह है 84 डिवाइडेड बाय 19 और होल डिवाइडेड बाय है 5। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, कंफ्यूज नहीं करना है खुद को, इस 5 के डिवाइड में 1 अपना होगा। तो होता क्या है, 19 से 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 में से एक 12 अगर हम निकाले, देखो मैं कैसे करता हूं, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 19 और 12 का टेबल मैं कैसे करूं, दो तरीके हो सकते हैं, मैं 19 10s are करूं 190 हो गया और 19 का डबल कर लूं 38 हो गया, तो 190 और 38 होता है 228, ऐसे मैं कर सकता हूं, या मैं इसे 19 के बदले 20 मानता हूं तो 20 12s are, यानी 12 का डबल हो गया 240, सो 240 में से एक 12 मुझे कम करना है, तो जब एक 12 का कम कर लिया 240 में से तो वो हो गया 228, तो यह ऐसे आएगा 228 माइनस 84 का डबल होता है 168 डिवाइडेड बाय 19 होल डिवाइडेड बाय 5 बाय 1। ठीक है, समझ आ गया? तो हमारा y जो होगा वो होगा 228 में से 168 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 8 तो 0 हो जाएगा, 12 में से 6 तो 6 होगा, 60 डिवाइडेड बाय 19। अब ध्यान रहे जो ये वाला डिनोमिनेटर है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो ये जो 5 बाय 1 है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बन जाता है 1 बाय 5। ठीक, सो 5 1s are 5, 5 12s are 60। आप यहां पर भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसे ज्यादा आसान है, थोड़ा समझ भी आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा वाई जो निकला वो निकला 12 बाय 90। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस पे प्लीज जितनी भी हो सके प्रैक्टिस कर लें आप लोग, जितना भी हो सके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। वंस अगेन सबसे बता रहा हूं, डोंट यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर से आप गधे बनते हैं। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी बच्चे को, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। अब दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा मेथड हमारा होता है उसे हम कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड तो नाम ही बता रहा है, जब इलिमिनेट करना है यानी इसका मतलब दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हमें इलिमिनेट करना है, हटा देना है। अब कैसे हटा सकते हैं, तो चलो उस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे शायद अच्छे से समझ में आ जाए हमें क्या करना है। अब सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, अभी जैसी नॉर्मल वाली इक्वेशंस, पहले बेसिक एक इक्वेशन ले लूंगा फिर उसे चेंज कर देंगे। तो मेरे पास सपोज 2x + y = 13 और x - y = 3। अब ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, तो देख ले यहां पर क्या है। मैंने इसलिए पहले सबसे बेसिक एग्जांपल ले ली, बेसिक एग्जांपल
इसका नाम मैं फर्स्ट रख लूंगा, इसका नाम मैं सेकंड रख लूंगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। मैं दो वेरिएबल्स में से कोई वेरिएबल जो है वो इक्वल बनाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जांपल इजी वाली ले ली है, तो इजी वाले एग्जांपल में मैं आप यहां पर देखेंगे वाई अकेला है, वाई अकेला है, राइट। तो इनके साथ कोएफिशिएंट 1y यहां भी है, 1y यहां भी है, और साइन भी अपोजिट है, प्लस और माइनस, राइट। तो मैं क्या करूंगा, देख लीजिएगा, मैं लिखूंगा क्योंकि साइन अपोजिट है, जिन जो वेरिएबल सेम है उनकी साइन अपोजिट है, इसीलिए मैं करूंगा एड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब मैं इनको एड करूंगा तो 2x और x को एड करना है, 2x और x कितने हो गए, 3x, और y में से y चला जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहां पर 13 और 3 कितना होता है, 16। तो मेरा x जो है वो हो गया 16/3, तो ये निकली मेरे x की वैल्यू। ठीक, सिंपल वाला पार्ट। तो आप इन दो में से आपकी मर्जी, आप किसी में से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर लो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में कर लो या सेकंड कर लो। सो चलो, मुझे लगता है सेकंड वाला इजी है, तो मैं कर लूंगा फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, अगर मैं y को यहां ट्रांसफर कर लू राइट हैंड साइड में और 3 को यहां लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लू, तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू y, जो बिल्कुल बराबर है y इज इक्वल टू x माइनस 3। कई सारे बच्चे मैंने 10th तक देखे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हमने यहां ट्रांसफर किया तो कैसे ये शिफ्टिंग कैसे होती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या काम कर सकता, मैंने क्या काम किया, बेसिकली मैंने जब y को यहां ट्रांसफर किया तो पूरा y सब्ट्रैक्ट बन गया, और x माइनस 3 को यहां ट्रांसफर किया तो पूरा x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट बन गया, इसका साइन चेंज हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, वापस आ जाता है y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो अब x की वैल्यू पुट कर लो, सो y इज इक्वल टू 16/3 - 3/1। अब एलसीएम निकाले, क्रॉस करें, जो भी आपकी मर्जी। तो यहां पर y इज इक्वल टू क्रॉस 16 ones are 16 - 3 threes are 9 / 3 ones are 3। सो हमारा y जो है, y की वैल्यू आ गई 13/3। तो ये हो गई दो वैल्यूज y और x की, राइट। और एक चीज जो मैंने आपको परसों बता दिया कि जिस टाइम पे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बच्चे कभी कभी क्या गलती करते हैं, वो इस और इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 threes are 9, फिर माइनस करते हैं 16 ones are 16। और मोस्टली तब जब यहां पर वैल्यू छोटी होगी और यहां पर बड़ी होगी, तो वो चाहते हैं कि उनका आंसर जो है वो हमेशा प्लस में ही आ जाए, इसीलिए वो ऐसे कर, राइट। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन को हम, मैं ऐसी दो इक्वेशंस को रहने देता हूं और मैं आपको बताता हूं इसमें थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। तो अब जब हम इसमें चेंज क्या करने वाले हैं, तो मैं इस y को अब प्लस बना रहा हूं। तो अगर ये y प्लस है, दोनों y प्लस है, सेम तो है लेकिन दोनों y मेरे पास प्लस है, ठीक, तब मुझे क्या काम करना है, तब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। कोई भी इक्वेशन, या तो सेकंड फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करनी है या तो फर्स्ट सेकंड से सब्ट्रैक्ट करनी है, वो हमारी मर्जी। और इसके लिए भी मैं बता दूं कि जो बड़ा वाला होगा, अब जो वेरिएबल हमें पता है y और y कटेगा, तो जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर ले, जो बड़ा वाला वेरिएबल होगा, सो दैट प्लस में आंसर आ जाए, कंफ्यूजन कम हो, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम है, ध्यान रखें, जब साइन अपोजिट थी तो हमने एड किया था, लेकिन अब साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। अब 2x बड़ा है और x छोटा है, तो इसीलिए सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो जब मैंने कहा सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सेकेंड की साइन जो है सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वो चेंज होंगी। तो x प्लस है, ये माइनस बनेगा, y प्लस है, ये माइनस बनेगा, 3 प्लस है, ये माइनस बनेगा। इनकेस कोई इनमें से माइनस होता तो वो प्लस बन जाता, राइट। अब हम क्या करेंगे, 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा, और y प्लस है, y माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10, ठीक। और इसी तरीके से अब इसको पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में, तो फ्रॉम सेकेंड, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, फ्रॉम सेकेंड y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स,
यहां से वाई को यहीं रखा, एक्स को ट्रांसपोज किया तो थ्री में से एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो वाई की वैल्यू होगी 3 - 10 विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू -7। समझ आ गया राइट? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आप इलिमिनेशन मेथड पे, क्योंकि इलिमिनेशन मेथड पे ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है आप बिलीव करें कि आपको क्वेश्चन बहुत इजी आ जाएगा, और आपके लिए 8th में है, 9th में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इवन 8th में है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल राइट। सो अब एक और मैं कर रहा हूं, एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं जिसमें अभी हमने रखा था वेरिएबल एक सेम, अगर वेरिएबल सेम नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल यही वाली इक्वेशन 2x + 3y = -4, और एक इक्वेशन में लेता हूं लेट अस से x - y = 5x - y = 9। तो ये दो इक्वेशन है मेरे पास राइट। अब इनमें अगर हम देखेंगे यहां 2x और यहां 5x, यहां 3y और यहां y। अब यहां पर भी आप देख लीजिए क्या करना है। अगर आपको कभी ऐसा मिलता है कि जिस किसी वेरिएबल के फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स निकल रहे, जैसे यहां पर 3y है और y है राइट, तो इनका कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर है 1, तो इसका मतलब है इसका 1 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी 3y बनेगा, मुझे इसको कुछ नहीं करना है, 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा जब प्लस और माइनस होगा राइट। अगर प्लस होगा तब भी 3 और y अगर कॉमन फैक्टर्स हैं, तब जाके किसी एक में अगर कॉमन फैक्टर है तो हम दूसरी वाली इक्वेशन को उसके बराबर लाने के लिए उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट है इक्वेशन, अब मैं क्या काम करूंगा, ये सेकंड इक्वेशन मैं मानता हूं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन सेकंड बाय, यहां देखना इनको कैसे बराबर करेंगे, यहां वाई है यहां वाई है, यहां वाई का क्या कोएफिशिएंट है 1, तो 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 3 आ जाएगा 3। तो मुझे इस सारी इक्वेशन को सेकंड वाली सारी, सिर्फ वाई को नहीं पूरी इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से राइट। तो अब मेरी नई इक्वेशन क्या आएगी 3 5 = 15x - 3 1 = 3y = 3 9 = 27। तो इसका नाम हम रखते हैं थर्ड, ठीक है। तो अब देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लीजिए, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए, आप देख लीजिए हमारे पास वेरिएबल सेम आया 3y और 3y, और दोनों की साइन भी डिफरेंट है, तो क्या करेंगे इन दो इक्वेशंस को राइट एड करेंगे, जब साइन डिफरेंट होंगी तो एड करेंगे, अगर साइन सेम होंगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इनको एड करने जा रहा हूं, एड फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब फर्स्ट और थर्ड को हमने एड किया तो ये 3y और ये 3y कैंसिल हो गए, अब 15x और 2x कितने हो गए 17x = 27, में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा 23। तो जो हमारा x आ गया वो हो गया 23/17 राइट। फिर ये वैल्यू उठा के आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप ये पुट कर सकते हैं, चाहे आप सेकंड में पुट करें, चाहे थर्ड में पुट करें, चाहे फर्स्ट में पुट करें, आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आई होप कि आप यहां से कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक और चीज, अब अगर कभी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई कि उनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ध्यान रहे हम क्या करने वाले, अगर कोई इक्वेशंस ऐसी आ गई हमारे पास जिनका कोई वेरिएबल्स का कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे हम यहां देखेंगे 2x और 5x है, सिमिलरली सपोज यहां पर मेरे पास 3y + 2y है, तो अब क्या होगा, अब इक्वेशंस तो सेम आ नहीं रही, यानी वेरिएबल्स में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को इक्वल करेंगे। फिर से यहां पर ध्यान रखें कि अगर किसी भी वेरिएबल का प्लस और माइनस वाला साइन है तो उनको चेंज करें, प्लीज उनको चेंज करें, आसान होगा क्वेश्चन करना।
और इन केस अगर ऐसे हैं प्लस में सारे या माइनस में सारे, तब आपकी मर्जी है, वैसे भी आपकी मर्जी है, आप चाहे एक्स वालों को सेम कर ले, आप चाहे वाई वालों को सेम कर ले, लेकिन अगर साइन डिफरेंट होगी, फॉर एग्जांपल यहां माइनस फाइव एक्स है, तो इनको चेंज करें, इनको इक्वल बनाए, सो दैट हमें एड करना होगा, कैंसिलेशन इजिली होगा, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए वंस अगेन, अब मेरे पास टू और फाइव आपस में कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं, थ्री और टू आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो अब मैं यहां पर, और सबका प्लस साइन है, अगर माइनस होता किसी का तो मैं उन्हीं को चेंज करता, तो वाई को हमने अभी चेंज किया, तो अभी हम एक्स को चेंज करते हैं, तो करना क्या है देख लीजिएगा, समझ लीजिए, मुझे करना है पहली इक्वेशन को इस एक्स के कोफिशंट के कोफिशंट से मल्टीप्लाई, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट फाइव टू आर कितना हो गया 10x, राइट, फिलहाल हम x की बात करेंगे। अब सिमिलरली मैं यहां पर इस इक्वेशन को किससे करूं, x के कोफिशिएंट से, 2 से, सो 2 5 आर 10, तो अब नई इक्वेशन जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 20, और यहां पर 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 आर 18। अब देख लीजिए x और x सेम आ गया हमारा, अब हमें क्या करना है, अब वंस अगेन इसका नाम चलो इक्वेशन थर्ड रखते हैं और इसका नाम इक्वेशन फोर्थ रखते हैं, ठीक। सो अब हमें क्या करना है, अब देख लीजिए साइन दोनों के सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, और सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला कर ले, सो दैट इजी रहेगा हमारा, और वेरिएबल के बड़े वाले में से, तो 15y बड़ा है 4y छोटा है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्थ को तो इसकी साइन चेंज होंगे, राइट, सो क्या हो जाएगा, प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल, 15y में से 4y चला जाएगा, तो कितना बचेगा 11y इज इक्वल, अब यहां माइनस 20 और माइनस 18 तो कितने हो गए माइनस 38, तो जो मेरा y निकला वो निकला माइनस 38 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे y की वैल्यू निकली, और यही y की वैल्यू अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में 2 में 3 में 4 में, जिसमें आपकी मर्जी, आपको वहां से x की वैल्यू निकलेगी, राइट। सो दिस इज सेकंड मेथड, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट आपको ये इजी लगे, आसान लगे, एंड बिलीव मी ये बहुत आसान है। इन केस आपने पिछले वीडियो मेरे देखे हैं, उनमें हमने अलजेब्रा के साथ डील की थी, बेसिक चीजों के साथ डील की थी, तो वही हम यहां पर यूज कर रहे हैं, राइट। सो अब जो हमारा तीसरा और फाइनल मेथड है इसका, उस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सो फ्रेंड्स जैसे यहां पर है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जो जनरल फॉर्म हमारे लिखने का, मैंने कहा था आपको एक मेथड में हम सी को जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशंस होंगी वो हमारी कुछ इस प्रकार से होंगी, तो अगर आपके पास इक्वेशंस हैं आप सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, इज इक्वल टू के राइट साइड में सिर्फ जीरो रखेंगे आप, राइट, तो मेरे पास जनरल इक्वेशन जो होगी वो होगी ऐसे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, वंस अगेन साइन इज डिफरेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिमिलरली यहां पर होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमें कहता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहता है कि हम इन कोएफिशिएंट्स के साथ डील करेंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा बी वन और यहां पर लिखूंगा बी टू, फिर लिखूंगा सी वन, फिर लिखूंगा सी टू, फिर लिखूंगा ए वन, फिर ए टू, फिर लिखूंगा बी वन, फिर लिखूंगा बी टू, ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई, और यहां पर लिख रहा हूं वन, ठीक। तो करना क्या है, ध्यान रहे, हमें काम करना है, जब मैं एक्स मैं लिखूंगा ऐसे एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक, तो पहले
ब्लैक से मैं जो दिखाऊंगा उन्हें पहले करना है, राइट, ब्लू से जो दिखाऊंगा उन्हें सेकंड करना है। तो बी वन को सी टू से मल्टीप्लाई करना है, बी वन मल्टीप्लाइड बाई सी टू, फिर उसमें से माइनस करना है बी टू सी वन, बी टू सी वन, वो हमेशा बराबर होता है वाई डिवाइडेड बाय। सिमिलरली यहां पर पहले सी वन ए टू, फिर माइनस, ये माइनस ध्यान रहे फॉर्मूला का है, ठीक, फिर सी टू ए वन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय। अब वंस अगेन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो ये हमारे पास बन जाता है एक फॉर्मूला जिससे हम ये वैल्यूज सारी जो हैं ये फाइंड कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अभी एक्स है ऊपर वेरिएबल, नीचे कोएफिशिएंट्स हैं, तो ऑब्वियसली नीचे हमें कोई नंबर आएगा, कोई इंटीजर आएगा, राइट, फ्रैक्शन आ सकता है, होल नंबर आ सकता है, लेकिन मोस्टली 10 तक के क्वेश्चंस में और इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यहां पर क्या होता है, हमें एक इंटीजर मिलता है, वाई वेरिएबल है और यहां पर इंटीजर मिलता है। लेकिन जो ये लास्ट वाला है आप देख लीजिए, ऊपर वन है और नीचे कोएफिशिएंट्स हैं, तो ये जो आएगा हमारे पास वन डिवाइडेड बाय समथिंग, सम इंटीजर आ जाएगा, ठीक। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाय दैट नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमें x की वैल्यू मिलती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमें y की वैल्यू मिलती है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक और हम कहते थे बचपन में, हमें जब पढ़ाते थे तो कहते थे ये बस का नंबर जैसा है, सो फॉर्मूला है 2 3 1 2, राइट। सो पहले बी सेकेंड नंबर पे आता है, फिर सी, फिर ए, फिर बी, तो इसीलिए 2 3 1 2। तो आपको क्रॉस समझ में आ गया। अब हम इस पे कुछ पार्ट्स करेंगे जिससे हमें अंडरस्टैंड होगा, राइट। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, अगर आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, आप उन इक्वेशंस को ट्रांसफर करेंगे, उन सबको एक साइड में लेकर आ जाएंगे, लेफ्ट या राइट साइड में, मोस्टली हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और राइट साइड में खाली रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं। अब मैं दो इक्वेशंस यहां पर ले रहा हूं, तो देखिए आप क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करें, पर्टिकुलरली टेंथ वाले एसएसबी वालों के लिए अभी एक मैं बता रहा हूं तरीका कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, क्योंकि टाइम उनके पास कम होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला पैटर्न, लंबा चौड़ा तरीका जो हमारे पास है, लॉन्ग मेथड, तो वो वाला करना है। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट अस से 2x - 3y + 7 = 0, और मेरे पास दूसरी इक्वेशन है से 3x + 2y = -5। तो ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, अब मुझे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले यहां पर देखेंगे a1 क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होगा 2, b1 क्या है, जो y का कोएफिशिएंट है विद साइन, दैट्स -3, और जो c1 है दैट इज 7। ओके, मैंने यहां पर जानबूझ के -5 इस साइड लिखा, सच दैट अगर ये -5 जब हम यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, +5। तो अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, ठीक, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए -5 = 0, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखेंगे a2 कितना है हमारे पास 3, b2 कितना है 2, और c2 कितना है -5। तो फिर से एक बार रिमाइंड कराने के लिए मैं सारे वैल्यूज फिर से एक बार लिखूंगा। तो जो हमारा x होता था हम लिखते थे x डिवाइडेड बाय b1 c2 - b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 - c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक था, a1 b2 - a2 b1, राइट, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2 3 1 2,
तो पहले टू वाले, फिर थ्री वाले, फिर वन और टू लास्ट में, वन और टू यानी ए और बी वाले। तो पहले जो होगा वो होगा ए वन को बी टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए टू को बी वन से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ऊपर वाले सारे वैल्यूज, तो क्या होगा एक्स डिवाइडेड बाय, अब बी वन क्या है मेरा माइनस थ्री, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे सी टू से, सी टू वहां पर क्या है माइनस फाइव, फिर माइनस ये वाला, फिर B2, अब B2 क्या है हमारे पास 2, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ, C1 इज 7 इज इक्वल टू Y डिवाइडेड बाय, अब C1 मेरा 7 मल्टीप्लाइड बाय A2, A2 इज 3 माइनस C2, C2 इज माइनस 5 और मल्टीप्लाइड बाय A1, A1 इज 2 इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय, अब ए वन बी टू, सो ए वन इज टू एंड बी टू इज टू माइनस ए टू इज थ्री एंड बी वन इज माइनस थ्री, राइट। समझ में आ गया क्या करना है, वैल्यूज ऐसे लिख लिए और इसमें पुट कर लिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाते हो कि क्या नंबर्स कहां पर लिखने हैं। सो एक्स डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस इज प्लस, थ्री फाइव आर 15, माइनस सेवन टू आर 14 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय सेवन थ्री आर 21, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइव टू आर 10 इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू टू आर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री थ्री आर 9। तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, x by 15 minus 14 is 1 is equal to y divided by 21 plus 10 is 31 is equal to 1 divided by 13। तो ये हमारे पास लास्ट वाला रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या, कंपेयर कंपेरिजन क्या करना है हमें, अब मैं लिखूंगा कि x by 1 is equal to 1 by 13, x by 1 is equal to 1 by 13, तो divided by 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं, तो हमारा x निकला 1 by 13। सिमिलरली अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 13 यही रहेगा, 31 ones are 31, तो मेरा y जो है वो निकलेगा 31 divided by 13, तो ये हमारा निकला x और y का वैल्यू, राइट। सो प्लीज आप इन चीजों पे प्रैक्टिस कर लें। अब जो जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, थ्री वेरिएबल्स में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखे हैं पेपर्स में वो टू वेरिएबल से आते हैं। तो अभी टू वेरिएबल का मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में, सच दैट आपका टाइम भी बचे और आप जल्दी जल्दी से भी क्वेश्चन कर सके। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो बेसिकली वो इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकला है, बट शॉर्टकट है तो एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वही वाला तरीका हम यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, लेट अस से कि आपके पास एक इक्वेशन है a1x plus b1y is equal to c1 और आपके पास दूसरी इक्वेशन है a2x plus b2y is equal to c2। मैं जनरल लिख रहा हूं अभी, ठीक, अभी हम इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, ट्राई भी कर लेंगे। तो क्या होगा अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, सो जो मेरा x होगा, ध्यान रख ले प्लीज, जो मेरा x होगा वो क्या होगा, वो होगा b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है पहले, यानी b2 c1, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर b1 को मैं ब्लैक से लिखूंगा, b1 को c2 से ये सब्ट्रैक्ट करना है, b1 c2 होल डिवाइडेड बाय, ठीक समझ आ रहा है। फिर एक बार बता रहा हूं, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, तो जो पहली इक्वेशन का वाई का कोएफिशिएंट होगा उसे दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है जो सेकंड इक्वेशन का वाई के साथ कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ, और डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में वंस अगेन अब जहां मैं रेड कर रहा हूं वो पहले ए वन को बी टू से मल्टीप्लाई करना है, ए वन बी टू, फिर माइनस करना है सिमिलरली a2 b1,
समझ आ गया। तो जो रेड वाले हैं वो पहले करने हैं, तो बी टू को सी वन से हमने किया, फिर से उसमें से सब्ट्रैक्ट किया बी वन सी टू। सिमिलरली डिवाइड में हमने ए वन को पहले बी टू से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया ए टू को बी वन से मल्टीप्लाई करके, ठीक। सो अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं एक एग्जाम्पल, ये एस एस बी वालों के लिए है पर्टिकुलरली, सो प्लीज इस चीज पे प्रैक्टिस कर ले। अब अगर हमारे पास इक्वेशन है, लेट अस से 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 4। तो अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक। तो आप जरा इनके साथ हम इन्हें कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है इसका, लेट अस चेक। तो अभी आप देख लीजिए, चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा इसे इलाबोरेटिव मेथड में लिखता हूं। पहले मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि a1 क्या है। सो a1 है हमारा 5, b1 है हमारा माइनस 3 और c1 है हमारा 7, ठीक। इस टाइम साइंस चेंज नहीं होंगी। सो a2 हमारा है 2, b2 हमारा है 5 और c2 हमारा है माइनस 4, राइट। सो आप इसको इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा x होगा, जो हमारा x होगा, तो x b2, b2 इज 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, c1 से, c1 इज 7, फिर सब्ट्रैक्ट करना है b1, b1 इज माइनस 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है c2 से, c2 इज माइनस 4 डिवाइडेड बाय a1 b2, a1 इज 5, b2 इज 5, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस a2 और b1, a2 इज 2 और b1 इज माइनस 3, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 35। आप देख लीजिए यहां पर 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, मल्टीप्लाई में अगर ऑड टाइम्स माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में रहेगा, अगर इवन टाइम्स माइनस है तो वो प्लस बन जाता है। तो यहां पर तीन बार, एक दो तीन बार माइनस है, यानी ऑड टाइम्स माइनस है, इसीलिए ये माइनस रहेगा। 4 थ्री आर 12 डिवाइडेड बाय 5 फाइव आर 25। और यहां देख लीजिए क्या होगा, कितनी बार माइनस है, दो बार मल्टीप्लाई में, यानी इवन बार, तो क्या बनेगा प्लस, 2 थ्री आर 6। तो हमारा जो x निकला, सो x की वैल्यू निकली 35 में से 12 जाएगा तो 23 डिवाइडेड बाय 25 6 होते हैं 31। अब इस x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी, राइट। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन तीनों मेथड्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेंथ वालों की बात कर रहा हूं, 9 10th वालों की, और जेके एस एस बी वालों के लिए ये पर्टिकुलरली जो ये वाला पॉइंट है ये जेके एस एस बी वालों के लिए है, ठीक, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कर रहे हैं उनके लिए ये वाला मेथड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है और बहुत कम टाइम लगेगा। देखिए अभी मैं सिखा रहा हूं तो शायद एक दो मिनट लग गए इसमें, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का तो आप इजीली इसको 10 20 30 सेकंड में कर सकते हैं, अगर आपका एडिशन मल्टीप्लीकेशन सही है, अच्छे से आता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप you would be enjoying many more videos in the future. Thank you.